हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री इन मिनट्स। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द सॉलिड स्टेट, विच इज़ द चैप्टर वन ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री बुक एनसीईआरटी। तो ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं ये आपको स्लो लग रही होंगी, तो इनको जो स्लो बनाया जा रहा है उसका कारण ये है कि जो लोग पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोग किसी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर जाएं, और जिन लोगों को केवल सॉल्यूशन पे फोकस करना है क्वेश्चन के तो वो लोग वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन वन सॉलिड स्टेट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो अपीयर हो रहा है वो है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, मतलब सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें समझना चाहिए कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। तो जो बॉडीज डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करती हैं ऐसी बॉडीज को हम रिजिड बॉडीज कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप को चेंज करने की टेंडेंसी रखता हो, तो ऐसे फोर्स को अगर कोई बॉडी अपोज करती है तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो अब सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं इसको हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मॉडल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस सॉलिड ब्लॉक में ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ये इस सॉलिड के पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। हम एक सैंपल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कब बोला जाएगा इसको? तो इसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तब कहेंगे जब जो पार्टिकल है उस पर नेट फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, मींस नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा होगा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं, तो देखते हैं ये इंटरेक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो ये जो पार्टिकल है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल्स से अट्रैक्टेड है, मतलब ये जो राइट की तरफ पार्टिकल है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ये नीचे की तरफ भी हो रहा है, ऊपर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर डायगनली भी। तो इस तरह से जो भी नेबरिंग पार्टिकल्स हैं इसके क्लोजर पार्टिकल्स हैं उन सब से ये अट्रैक्टेड है। तो ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं बैलेंस्ड हो जाते हैं, और ये बैलेंस्ड कब होंगे? जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम होता है तो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन डोमिनेट करता है, और अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज़्यादा होता है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ अभी, और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स फिर से सॉलिड के पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो ये सारे के सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं? बैलेंस्ड हो रहे हैं। लेकिन मान लो हमने क्या है सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबाउट दिस मीन पोजीशन एंड दिस इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो वाइब्रेशन के दौरान ये यहाँ पर पहुँचता है, जब ये यहाँ पर है तो इसके जो लेफ्ट में पार्टिकल है ये इसको रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हो गया है, और इसी टाइम पर ये जो राइट में इसके लेफ्ट में जो पार्टिकल है उससे क्या होगा?
उससे ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, तो ये अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। लेट इस पार्टिकल को हम ए नाम दे देते हैं, तो ये एफ ए फोर्स हो जाएगा, और इस पार्टिकल को अगर मैं बी नाम दे दूं तो ये एफ बी फोर्स हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एफ ए और एफ बी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रहेगी इसके पास, और इस वजह से अपनी ये मीन पोजीशन को लीव कर जाएगा टुवर्ड्स मूविंग लेफ्ट। फिर क्या होगा, जब ये लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट वाले पार्टिकल से डिस्टेंस कम हो रहा होगा, वो रिपेल करना स्टार्ट करेगा, और राइट वाले पार्टिकल से मीन डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस हो रहा होगा, तो वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे केस में क्या होगा कि अब इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी रिवर्स साइड में, तो इसका मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है और इस पर फोर्स राइट में एक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और फाइनली स्टॉप हो जाएगा किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर। फिर यहां पर अब नेट फोर्स इस पर टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, तो ये राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से थोड़ा सा भी डिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो उस डिस्टेंस, उस चेंज इन डिस्टेंस को अपोज कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं ये? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं। तो लेट अस नाउ राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स, अमंग द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर मीन पोजिशंस एंड दे कैन ओनली vibrate about their mean positions. When a deforming force is applied on a solid it tends to change
द रिलेटिव पोजिशन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स Particles of solid which is opposed by the intermolecular interactions and hence solids are rigid. So this will be the answer to the question.